नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। कहते हैं कि पुलिस वालों को सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर सुरक्षा का सबसे बड़ा दायित्व होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी पुलिस की और झांसी पुलिस के कप्तान की। झांसी में कप्तान SSP शिवहरि मीणा किस प्रकार से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और इन दिनों वह सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक क्या करते हैं, इसको लेकर हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं। दरअसल SSP शिवहरि मीणा सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई के कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। आपको बता दें कि इस समय तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस है और ऐसी गर्मी में SSP शिवहरि मीणा हर फरियादी को छाँव में बैठा कर देख सकते हैं। आपके यहाँ पर बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, फरियादियों की बात सुनते हैं और उनका निराकरण का प्रयास करते हैं। उन्होंने मार्केट संवाद से बातचीत के दौरान बताया, देखिए जनसुनवाई का जो माननीय मुख्यमंत्री जी शासन के निर्देश उच्च अधिकारियों के निर्देश है उसके अनुसार 10 बजे से 2 बजे तक सभी अधिकारीगण बैठ के जनसुनवाई करते हैं, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑफिस में एक सेल बनाया गया है जिसमें हमारे CO साहब, एडिशनल साहब, 2 इंस्पेक्टर, 1 महिला इंस्पेक्टर और साथ ही साथ मेरे द्वारा प्रतिदिन 10 से 2 बजे तक बैठ के जनसुनवाई की जाती है। इनके जितने भी प्रार्थना पत्र हैं उन सब को चेक करवाया जाता है, क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास झांसी पुलिस का है। सभी थानों को भी निर्देश दिए गए हैं जहाँ पे आने जाने वालों को पानी की व्यवस्था भी है और उनकी जनसुनवाई की पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी अगर किसी को है तो उसका तत्काल निस्तारण झांसी पुलिस के द्वारा किया जा सके। सर, 2017 में भी तो योगी जी की सरकार थी तो उसमें आला अधिकारी से तो कोई मिल ही नहीं पाया। देखिए ऐसा नहीं है, सभी अधिकारी अपने स्तर से जनसुनवाई में लगते हैं, किसी का कोई सिस्टम होता है, किसी का कुछ होता है, तो निश्चित रूप से जो तत्कालीन अधिकारी रहे होंगे उन्होंने भी अपने स्तर से जनसुनवाई करी होगी, आज भी जनसुनवाई हो रही है। ये अलग बात है कि किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से सिस्टम को बेहतर करने का प्रयास हर अधिकारी अपने स्तर से करता है।